एक ही छोटे से व्हाट्सएप पर जो इलाके की सरदारी बैठी हुई है मंत्री जी कहने से, तो मैं आप सभी लोगों का फर्मनगर की पवन धरा पर पहुंचने पर हार्दिक स्वागत और धन्यवाद करता हूं। मंत्री जी सभी समस्याएं, मुख्य समस्याएं जेपी वाट्स जी ने पढ़ के आपको सुना दी है और आशा और उम्मीद है कि फर्मनगर की जिस उम्मीद और आस से आपको इतने भारी बहुमत से यहाँ पर विजय बनाया गया था, उसी तत्परता से आप फर्मनगर की समस्याओं को सुनने का काम करेंगे और फर्मनगर के लिए जो भी भलाई के कार्य होंगे उनको तुरंत आदेश देकर के जल्द से जल्द करवाने का काम करेंगे। जी मंत्री जी, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, नगर पालिका फर्मनगर में अधिकारियों का एकदम बेलगाम होना बहुत दुखदायी है। वो आज तक पता नहीं किस दुविधा में जी रहे हैं। मैं ज्यादा बातें तो नहीं कहना चाहता, लेकिन फर्मनगर के लोग प्रॉपर्टी आईडियो के चक्कर में बहुत ज्यादा परेशान है और प्रॉपर्टी आईडियो के चक्कर में लोगों ने अधिकारियों के चक्कर काट काट करके रेत मियां कर दिया, लेकिन अधिकारियों के कान पर जू नहीं रेंगती है और प्रॉपर्टी आईडियो के नाम पर मंत्री जी इतना भारी झमेला चल रहा है कि लोग 20-20-30 हजार रुपया देकर के प्रॉपर्टी आईडिया बनवा रहे हैं। तो आपसे निवेदन है कि नगर पालिका फर्मनगर की तरफ भी आप ध्यान देंगे। जी रही बात तहसील की, कुछ आवाजें आ रही थी रजिस्ट्री की, नियमानुसार दोनों मैडम हमारे रजिस्ट्रिया करती हैं, लेकिन आपसे निवेदन है कि जितने भी सालम हिस्से की रजिस्ट्रिया हो, जो ट्रांसफर डीड हो, छोटी हो चाहे बड़ी हो, आप उनको करवाने का कष्ट करें और जितने भी अधिकारी बैठे हैं मंत्री जी के आदेश से फर्मनगर के हित में जितने भी जल्दी जल्दी कार्य हो सके उनको करने का कार्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। गांव नरवीर सिंह कैबिनेट मंत्री फर्मनगर पहुंचने पर मैं अपनी शहरी सभा की तरफ से और फर्मनगर की तरफ से धन्यवाद करता हूं। और मास्टर जी ने फर्मनगर की मांग तो मांग पत्र में रखी थी, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, मंत्री जी नगर पालिका का जितना बुरा हाल है कि सेक्रेटरी तो किसी का फोन ही ना उठावे और इतना भारी प्रदूषण हो रहा है। आप हाई स्कूल से लेकर मंडी का गेट लेकर मंडी का गेट लेकर फाजिलपुर बोर्ड चारों में बाहर के बोर्ड लगा के सारा भाग लगवा दिया और एक भाग वाला से कम से 5-5 हजार रुपए ले रहे। मैंने पूरी तहकीकात कर ली, उनसे पैसे ले रहे 9 रुपए भाग लगवा के और जनता का तो बिल्कुल काम ले रहे। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस पे सेक्टरी खिलाफ जल्दी से जल्दी कार्रवाई करी जाए। और आज मेरे ख्याल से सेक्टरी है भी नहीं, दूसरे बेला का इतनी मट्टी खराब होगी इसलिए आए नहीं। परेशान किसी का फोन जनता के में डाल, किसी का पार्सल में डाले और जाओ तो उनका बोलेंगे मैं भादरगढ़ का जाट हूं और हम भी उनको फर्मनगर ले लिया, बहुत बुरी है, तू मान जा। हमें मंत्री की इंतजार थी, चुप था ना, तो एक बार फर्मनगर की ले होगी तो भादरगढ़ का जाट हो चाहे कितने हो दिखाई ना दे उन्हें। तो इसलिए मैं मंत्री जी का हाथ जोड़ के फर्मनगर की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।